गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करेंगे EVS का लेसन नंबर 13, गोइंग टू द फेयर। मेले में जाना, फेयर होता है मेला। लोग मेले में जाते हैं, खूब सारा वहाँ पे इंजॉय करते हैं, झूले झूलते हैं और खूब सारी शॉपिंग करते हैं। तो इसके बारे में इस लेसन में बताया गया है। यस्टरडे देयर वॉज अ फेयर इन नरेला। पिछले कल नरेला में एक मेला लगा था। पीपल केम देयर फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। दूर दूर से लोग वहाँ आए थे। फार अवे होता है दूर दूर से। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल। वहाँ पे बहुत सी दुकानें और स्टॉल लगे थे। पीपल वर बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स। लोग चीज़ें बेच रहे थे और चीज़ें खरीद रहे थे। बाइंग होता है खरीदना, सेलिंग होता है बेचना। देयर वर शॉप सेलिंग स्वीट्स क्लोथ्स एंड टॉयस। वहाँ पर मिठाइयों की, कपड़ों की और खिलौनों की दुकानें लगी। चिल्ड्रन बाउट टॉयस फ्रॉम द शॉप्स। बच्चों ने दुकानों से खिलौने खरीदे। बाउट होता है खरीदना, टॉयस होता है खिलौने। दे वेंट फॉर अ राइड ऑन द मैरी गो राउंड। वे मैरी गो राउंड झूले में बैठे और झूले। मैरी गो राउंड होता है ये जो गोल गोल झूला होता है, राउंड शेप में घूमता है, तो ये होता है मैरी गो राउंड झूला। सम चिल्ड्रन वेंट ऑन द जायंट व्हील। कुछ बच्चे हिंडोले में बैठे। जायंट व्हील होता है हिंडोला, ये जो ऊपर पिक्चर में दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा होता है। इसके बीच में बहुत बड़ा व्हील लगा होता है, चक्कर। दे सेट ऑन सीट्स अटैच टू द व्हील। बच्चे जो थे वो सीटों में बैठे जो कि चक्कर से, व्हील से अटैच थी। एज द जाइंट व्हील टर्न दे शाउटेड इन जॉय एंड फियर। जैसे ही हिंडोला घूमा, बच्चे खुशी और डर से चिल्लाने लगे। शाउटेड होता है चिल्लाना। देयर वर कैमल्स राइड, एलिफेंट्स राइड्स एंड हॉर्स राइड्स टू। वहाँ पर ऊंट की सवारियाँ, हाथी की सवारियाँ और घोड़े की सवारियाँ भी थी। पीपल हैड अ गुड टाइम। लोगों ने अच्छा समय व्यतीत किया। दे रिटर्न होम आफ्टर सनसेट। सूर्यास्त के बाद लोग वापस अपने घर गए। रिटर्न होता है वापस, सनसेट होता है सूर्यास्त। तो बच्चों, ये था हमारा आज का लेसन। अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे, जिनको आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है और लेसन को अच्छे से रीड करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है।